बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आपको जियो लोकेशन के मुतालिक बताया था कि आप इसके अंदर ऑटो कैड के अंदर अपनी जियो लोकेशन को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो लोकेशन के ज़रिए कैसे अपना कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं। किसी चीज़ के अगर आपको उसकी कोई अलाइनमेंट वगैरह लगानी है, कोई चीज़ लगानी है, तो आप उसकी छोटी मोटी टॉपोग्राफी से लेके स्केच वगैरह, आप जनरल स्केच उसके कैसे बना सकते हैं, तो बहुत यूज़फुल वीडियो होगी। वीडियो को मेरे को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो आपने इधर से इंसर्ट के ऊपर आ जाना है। इधर से दोबारा बता देता हूँ, इम्पोर्ट मैप के ऊपर आ जाना, ये मैप आपके सामने इधर ओपन हो जाएगा। इधर से आपने अपने सिटी की लोकेशन जो आपके पास है वो पहले आपने देनी है, जैसे आप गूगल अर्थ के अंदर देते हैं। तो इसी तरीके से आपने पहले सिटी की लोकेशन, उसके बाद अपनी कंट्री की लोकेशन आपने इधर इंटर कर देनी है। तो ये आपके सामने मैप ओपन हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं मेरे सामने इधर लाहौर सिटी का ये मैप ओपन हुआ हुआ है। इधर से मैंने किसी भी जगह के ऊपर कोई मार्किंग या कोई इसका मैंने एक रफली सा स्केच वगैरह लेना है, किसी भी एरिया का लेना है, तो रोड का लेना है, किसी चीज़ का मैंने बनाना है, तो इधर से मैं बहुत आसानी के साथ बना सकता हूँ। तो आपने अपनी लोकेशन को इधर से सर्च कर लेना है और ड्रॉप मार्कर के ऊपर आपने इधर से क्लिक करना है और अपना जो मार्कर है वो आपने उधर जो जो से भी आप कोई एरिया मार्क करना चाहते हैं, कोई चीज़ लगाना चाहते हैं या किसी भी जगह की कोई लोकेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये एक पार्क है, तो इधर ग्राउंड है क्रिकेट, तो मैं इस जगह की थोड़ी सी लोकेशन वगैरह लेके उसका बनाता हूँ। तो आपने इस मार्कर को इधर मूव करा के इधर मूव कर देना है और इधर से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा आपका ये वेट करेंगे आप, तो इधर से आपने अपने कंट्री की लोकेशन दे देनी है। मेरे पास जो कंट्री की लोकेशन है वो WGS93 72 UTM 43 है। इधर से मैंने इसको एंटर करना है और इधर से मैंने अपना सिटी का नेम जो हमारे पास आ रहा है वो मैंने इधर से इनपुट कर देना है। तो अभी मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ, तो इधर से मेरा जो नाम आएगा वो कराची और इस्लामाबाद कराची का आएगा। इधर से मैंने उसको करना है, आप जिस रैंक जिस फॉर्मेट के अंदर आप बनाना चाहते हैं उस स्टेल को आप इधर से सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दें इधर से, और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आप इधर अपना सबसे पहले किसी भी जगह के ऊपर आप इधर अपना उसको प्लान बना लें। इधर से सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर से F8 प्रेस कर देना है और नॉर्थ की साइड के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर नॉर्थ ऊपर वाली साइड पे है, तो आपने इधर ऊपर वाली साइड के ऊपर इधर थोड़ा सा क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपका भी आप देख रहे हैं ये मैप मेरे सामने इधर ओपन हो गया है। आपने इसका नेट के साथ इसकी कनेक्शन आपने बना देना। तो अभी आप इधर से मैं सपोज इधर से किसी भी एरिया का इधर से मैंने कोई इसके टॉपोग्राफी करनी है या कोई पॉइंट्स या कोई स्केच मैं बनाना चाहता हूँ किसी भी जगह के ऊपर, तो इधर से मैं बहुत आसानी के साथ बना सकता हूँ। बजाय कि आप गूगल अर्थ के ऊपर जाके उधर से करें, तो आप ये देख रहे हैं कि इधर से ये पूरा मेरे पास ये ग्राउंड आएगा, तो इसका मैं इधर से आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सिंपल सा आपने होम के ऊपर आ जाना है, लाइन या पॉली लाइन या सर्कल आप जो भी ले सकते हैं। जैसे मैं पॉली लाइन की कमांड ले लेता हूँ, लाइन वर्किंग हमारी ये चीज़ उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल ऑटो कैड के अंदर काम करते हैं। आपने इधर से F8 प्रेस कर देना है और इधर से आप ये देख रहे हैं कि ये आपने इधर से इसका इसी तरीके से ये एरिया वगैरह जो जितना जितना आपको ये रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसके साथ इसकी मार्किंग वगैरह इधर कर सकते हैं इसी तरीके के साथ। ये करने के बाद आपने फेड की कमांड ले लेनी है और इसका थोड़ा बहुत रेडियस वगैरह आपने इधर से एडजस्ट कर देना है 50 के हिसाब से, जितने भी आप इसको करते हैं। तो आप बहुत डिटेल के अंदर इस काम को इधर से ईजीली कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को इसी तरीके से इधर बहुत आसानी के साथ इसके साथ बना सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये मैं जस्ट सैंपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप बजाय कि आप गूगल अर्थ के ऊपर जाते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर आप यूज़ करते हैं, तो आप यही काम बहुत आसानी के साथ गूगल अर्थ के ऑटो कैड जियो लोकेशन मैप के ऊपर बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह बन गई है। आप ये हमारे पास इधर पिच है, आपने जैसे रेक्टेंगुलर ये कमांड लेके जो पिच वाला एरिया आ रहा है उसको भी आप इधर से उसको हाईलाइट कर दें, ये सेकंड पिच है आप इसको भी कर दें। इसी तरीके से ये हमारे पास इसके जो बाकी चीज़ें जा रही हैं आप उसको भी जैसे लगा सकते हैं। जैसे लैंड की कमांड ले लें और ये पूरा जो हमारे पास जिस तरीके से ये इसके स्केच वगैरह बना हुआ है, आप इसके जो फुटपाथ हैं या रोड्स वगैरह है वो आप सारे इधर से लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सिंपल इसका तरीकाकार होएगा। आप इस तरीके से जो भी वर्किंग करना चाहते हैं इसको जूम आउट कर लें जितना कर सकते हैं और इधर से इसकी लेंस वगैरह आप इसी तरीके से आप लगाते जाएंगे, तो ये आपके सामने ये जो इसका पूरा पार्क वगैरह का जो भी सिस्टम है वो पूरा आपके सामने इधर ड्रा होता जाएगा। तो आपने ये चीज़ें इसी तरीके से बना लेनी है, आप इस तरीके से इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इधर आप ये देख रहे हैं कि इधर से
ये मेरे पास सेकंड ग्राउंड है, अगर आप इसकी बाउंड्री वगैरह या इसकी लेंस वगैरह भी आप लगाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ इधर से इसका एरिया लेके लगा सकते हैं। और अपना जो आपका पास कोई वर्किंग स्टार्ट करने से पहले जो भी आप चीज़ इसकी बनाना चाहते हैं साइड के ऊपर जाने के बजाय, आप इधर से बहुत आसानी के साथ इसकी वर्किंग वगैरह इजीली कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको इधर से इसकी लोकेशन के ऊपर जियो गूगल मैप की मदद लेनी होगी, वो पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इधर से बता चुका हूँ। तो आप इसी तरीके से वर्किंग करते हुए इसके अंदर जो भी स्केच वगैरह बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। करने के बाद आप इधर से दोबारा इंसाइट के ऊपर आ जाएँ और इधर से जो हमारे पास ये जियो लोकेशन के ऊपर आ जाएँ इधर से आपने, और ये मैप वगैरह आप इधर से ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इधर से मैप को इसको इधर से ऑफ़ कर देंगे तो आप देखेंगे हमारे पास सेम टू सेम उसी तरीके से ये चीज़ें बन जाएगी। आप इधर से इसको ऑन करेंगे तो ये मैप हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो जो से फीचर्स, जो जो सी भी चीज़ आप लेना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ इधर बैठ के और अपना सारा काम कर सकते हैं बआसानी। उसके बाद आप जब उसका मज़ीद जो डिटेल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, वो भी कराना चाहते हैं तो वो आप उधर से कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी टॉपोग्राफिकल मैप है तो आप इधर अपना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लगा के और उसको उधर से चेक भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।